सर ये तो एक हमने कहा कि आज जो बजट आया है दो तीन दिन पहले और पाकिस्तान के मौरूजी हालात क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उसके ऊपर देख लें। लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी है सर, जेकेटी साहब, जागीर तरीन साहब लंदन मियां साहब से मिलने गए मुराद साहब। जाने से पहले मेरे से बातचीत हुई थी उनकी, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गए सर इसलिए। अच्छा, खबर तो ये चल रही थी कि शायद मियां साहब से भी मुलाकात करेंगे। ये चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि ये पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब ने बनवाई है, क्या ये बात दुरुस्त है? काशिफ साहब, मेरे तो बिल्कुल भी इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है। सो इसलिए जो भी इस तरह का कमेंट करता है, आई थिंक यू नीड टू आस्क हिम के वो किस लिए कमेंट कर रहे हैं। सो इसलिए चले मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन उन्होंने, उनका ये मानना है कि क्योंकि पहले भी तरीन साहब मुलाकातें करते रहे, लेकिन ये बात स्ट्रेंज नहीं है कि पांच दिन पहले पार्टी बनी है, अब जबकि बैठने का वक्त था, पार्टी में लोग आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करनी पड़ेंगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, तरीन साहब लंदन चले गए, आपको ये अजीब नहीं लगा? देखिए, इस पे बात जरूर हुई थी, मगर मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि अलीम खान साहब विल बी मेनली हैंडलिंग द वे द पार्टी इज रन और क्या क्या किससे मिलना है, क्या सब चीजें करनी है, प्लस हम लोग सब यहां पे हैं। सो इसलिए उनके साथ कंटिन्यूसली रابطे के अंदर है। अरे आज अभी मैंने सुनाया मरियम नवाज शरीफ साहब कहती हैं कि लीडर आएगा तो पार्टी ऊपर जाएगी। आपने देखा तरीके साहब कहती है उनके बगैर, हमारे लीडर के बगैर पार्टी नहीं है। वो लीडर इज द पार्टी पाकिस्तान में, पार्टी से लीडर नहीं होते, लीडरों से पार्टियां होती है। तो आपका ऐसा केस नहीं है? नहीं, हमारा बिल्कुल भी। देखें, हम लोग सब पहले भी एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ शनाख्त थी हमारी, इन द सेंस कि वी वर ऑल इन द सेम पार्टी। सो इसलिए सबको बहुत अच्छी तरह समझ है अपने अपने रोल की और क्या क्या चीजें करनी है सबने, और वो डिफाइंड रोल्स और होते जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। सर इलेक्शन वक्त पर होंगे ये तो बताएं। और दूसरी चीज ये भी काशिफ साहब के इट्स अ मैटर ऑफ टू वीक्स, दो हफ्ते के अंदर कोई मेरे ख्याल से इतना कुछ नहीं होने लगा। सो इसलिए इलेक्शंस जो है देखें, जो बताया जा रहा है, वैसे मुराद साहब पिछले एक महीने में उथल पुथल हो गई है, ये मुल्क की सियासत उलट गई पलट गई, आपको आज तरीके वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठना पड़ा, आपको इस पार्टी को डिफेंड करना पड़ रहा है, इससे पहले आप तरीके इंसाफ को डिफेंड कर रहे थे, क्या दो हफ्ते में क्या कुछ नहीं हो जाता इस मुल्क में? आप कहते हैं कि इट्स नथिंग। नहीं, मैं इलेक्शंस के लिहाज से कह रहा था, सिर्फ इलेक्शंस के लिहाज से, वरना तो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स जो है वो डेली बेसिस पे भी नहीं चल रही, वो आवरली बेसिस पे चल रही है। मैं सिर्फ आपको इलेक्शंस के लिहाज से कह रहा था कि दो हफ्ते के अंदर इलेक्शन तो नहीं होने लगे और एनीथिंग लाइक दैट। सो इसलिए इलेक्शंस जो मेरे तक खबर है अभी तक यही है कि अक्टूबर नवंबर में है। अगर अक्टूबर नवंबर में पिछले वाले भी इलेक्शन अभी होने थे वो भी नहीं हुए, सो इसलिए होपफुली अक्टूबर या नवंबर के अंदर इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। ये क्यों कह रहे हैं लोग कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैज कलैप्स्ड बिफोर इट टुक ऑफ? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पार्टी के अंदर वो चीज नजर नहीं आ रही है? वो किंग्स पार्टियां बनती थी और लोगों को पता होता था ये इलेक्शन बहुत अच्छा करेंगे, ये इलेक्शन जीत जाएंगे, इनके पास सब किस्म की सपोर्ट है। आपकी पार्टी को देखकर लगता है यार ये सीट कहां से जीतेंगे? डू यू अग्री? देखिए, तो जब इलेक्शन आएंगे तब की बात है, तब देखेंगे। वंस वी हैव द, एक दफा रिजल्ट हमारे हाथ में हो तो फिर पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि इंशाल्लाह ताला जो लोग आए हैं वो पहले भी, मेजॉरिटी जो आई है वो पहले भी एमएनए एमपीएस फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं। सो इसलिए सब इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, सब इलेक्शन को समझते हैं। सो देखते हैं रिजल्ट जब आएगा फिर ही है। मगर एट द सेम टाइम हमें यह भी बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी से देखना चाहिए कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, नई पार्टी है। एट द सेम टाइम जब टाइम आएगा उस वक्त क्या फैसले होने या क्या करना है वो तो उस वक्त पता लगेगा। सर लोग आपका वो कहते हैं ना, लाहौर के हैं आप तो मैं तो पंजाबी की मिसालें भी दे सकता हूं, आपको समझ भी आएंगे, ठट्ठे लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी पार्टी के ठट्ठे लगा रहे हैं। वो मोनस लाई का ट्वीट मैंने देखा, वो कहा कि पार्टी आ गई, वर्करों का इंतजार है। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ चैटर जो कॉन्वर्सेशन है जो हो रही है इस वक्त पोलिटिकल सर्कल्स में, कि कहां से आ गई ये पार्टी, इसको वोट कौन डालेगा, ये जीतेगा? लेट्स आपकी मिसाल लेते हैं। देखिए लाहौर का इलेक्शन आजाद उम्मीदवार नहीं जीतते, पार्टियां जीतती हैं। आपका ख्याल है किस किस का मुकाबला होगा लाहौर के हलकों में, कौन कौन सी पार्टी आमने सामने होगी मुकाबले में रियल वोट बैंक के साथ? देखें, नून लीग होगी,
ऑब्वियसली। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, पार्टियों के मैं 2013 में भी लड़ा, काशिफ साहब आपको पता है, और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं इलेक्शन जीता। 2018 में भी मैं इलेक्शन लड़ा और मैं जीता। अब 2013 के अंदर मेरे साथ 24 सीटें थी लाहौर के अंदर टोटल, उसमें से हम 3 सीटें जीते, तो बाकियों के साथ भी तो पार्टी थी ना, तो फिर वो लोग क्यों नहीं जीते? क्योंकि सिर्फ मैं जीता, मियां महमूद रशीद जीते या मियां असलम इकबाल जीते, बाकी सब लोग हार गए। अब आप 18 पे आ जाए, 18 में 30 सीटें थी लाहौर में 24 से बढ़ के, उसमें भी हम सिर्फ 8 सीटें निकाल सके, उसमें भी मेरी एक सीट थी, तो बाकी 22 लोगों के साथ भी तो पीटीआई थी ना, तो जब बाकी 22 लोगों के साथ भी पीटीआई थी तो फिर आपको अपनी सर, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि पार्टी का वोट है ना, या नून लीग जीतेगी या तरीके इंसाफ जीतेगी, ये वोट बैंक है लाहौर का या पंजाब सेंट्रल पंजाब। ये भी कुछ अरसे में देख लेंगे, जब तक इलेक्शन आएंगे तब तक आई थिंक और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी कि किसका वोट बैंक ज्यादा है और कौन जीतेगा और कौन सीटें निकालेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं काशिफ साहब, बड़ी क्लैरिटी से, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ने वालों में से हूं और अल्लाह ताला का शुक्र है, इलेक्शन लड़ना एक अलग चीज है, एक अलग साइंस है बिल्कुल। इलेक्शन जीतना ये बिल्कुल अल्लाह ताला के हाथ में होता है। बड़े बड़े लोग आपने देखे हैं इलेक्शन जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लड़ रहे होते थे, हार जाते हैं। और बड़े बड़े इनसिग्निफिकेंट लोग, जिस तरह कोई भी सोच नहीं सकता था कि मैं मॉडल टाउन से 2013 में जीत जाऊंगा, तो 2013 में जब मैं जीता तो एवरीबडी वो सरप्राइज, क्योंकि एक इलेक्शन जो है वो आपकी पॉलिटिकल जितनी भी ट्रेनिंग है या पॉलिटिकल जितनी भी हिस्ट्री है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। पीपल्स पार्टी कितनी सीटें जीती इलेक्शन को मैनेज करना, पीपल्स पार्टी कोई भी नहीं जीती मेरे। मैं यही तो कह रहा हूं कि साइंस अपनी जगह, अल्लाह ताला की मर्जी अपनी जगह, पॉलिटिकल पार्टी का कुछ हाँ। को लेना देना भी होना चाहिए ना, को वोट बैंक होता है ग्राउंड के ऊपर जिससे आप जीतते हैं। आई एग्री, मगर देखें जब आप कहते हैं ना कि सिर्फ पार्टी के वोट बैंक से आप जीतेंगे तो फिर तो बाकी लोगों को भी जीतना चाहिए था यार, एटलीस्ट 50% तो पीटीआई को जीतना चाहिए था ना लाहौर में।